हम सरकार से हमारी यही अपील है, सब संतों से यही अपील है कि वो जल्दी से जल्दी इस कार्य को रोक दें। ये जो खनन हो रहा है तुरंत इसको रुकाया जाए, इस खनन को जो संतों ने भी जाकर के जायजा लिया है। देश के हजारों लाखों साधु संत ब्रजभूमि में जिस प्रकार के खनन कार्य के द्वारा विनाश हो रहा है उसको देखकर बड़े दुखी हैं, आक्रोश भी है और ये अपेक्षा रखते हैं उन उन राज्यों से संबंधित सरकारों से कम तीर्थों का जीर्णोद्धार न करो, उसमें सहयोग न करो तो कोई बात नहीं, कम से कम उस विनाश की लीला का समर्थन न करो, उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। जिन्होंने ये पाप किया है संबंधित शासन और प्रशासन सख्ती से इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न। पंचदशनाम जूना अखाड़ा जिसमें लाखों नागा हैं और मुझे बहुत बड़ा गौरव है इस बात का कि लाखों सन्यासी मेरे पास हैं, तो हम लाखों सन्यासी इस आंदोलन में कूद पड़ेंगे। ब्रज 84 कोस भारत की आध्यात्मिक संपदा का सिरमौर है, यह पर्वतों का खनन नहीं, यह संस्कृति का विनाश है। ब्रज स्थली जो हमारे भगवान की लीला स्थली है, उनका तो एक एक कण, वहाँ का एक पाद पल्लव, वहाँ के जलाशय की एक एक बूंद हमारे लिए अत्यंत महनीय है और उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ। 84 कोस में जितने वृक्ष हैं वो सब संत हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, दाल दाल और पात पे राधे राधे हो। ब्रज की जो मिट्टी है वो रज रानी है साक्षात, तो उसका भी तो आक्रोश उनको झेलना पड़ेगा और उसका शाप जो है वो तो ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। मैं तो सुझाव दूंगा वसुंधरा जी को कि संतों के आक्रोश और उनके कोप भाजन होने से वो बचें, उनके शाप से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इसलिए ये उनको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि यदि संतों के आक्रोश का भाजन उन्हें बनना पड़ा तो किसी भी प्रकार से उनके हित में नहीं हो सकता, तुरंत अविलंब उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ता सरकारों को सुप्रीम कोर्ट को चलाना पड़ रहा है, जिन कार्यों को सरकार को सहज रूप से करना चाहिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, सरकारों के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरे ब्रज की जो शोभा है वो वनों से है, पहाड़ों से है और सरोवरों से है। दुर्भाग्य से तीनों ही अब समाप्त किए जा रहे हैं, तीनों को ही समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। पहाड़ों को खनन से समाप्त किया जा रहा है, सरोवरों को भूमि के अधिग्रहणों से समाप्त किया जा रहा है और वनों को भवन निर्माण के लिए समाप्त किया जा रहा है। एक प्रकार से ब्रज संस्कृति और भगवान की लीलाओं को ही हम समाप्त करने पर तुले हैं। पूज्य रमेश बाबा जी ने जो भी ये अभियान लिया है ये बहुत अच्छा है, स्तुत प्रयास है, हमारा सब प्रकार का सहयोग है। संतों के आशीर्वाद से तो संभव होगा, सहयोग से होगा, देश का हर संत इस ब्रज की संस्कृति की रक्षा के लिए आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। भगवान की लीला स्थलियों को और भगवान की इस ब्रज की संस्कृति को बचाने के लिए हम सब प्रकार से सहयोग करने के लिए। तो वसुंधरा जैसे अनेकों मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, अगर अपनी शासन व्यवस्था में वो उसको नहीं ठीक कर सकती है तो उसको हटाया जा सकता है। राधा रानी की पहाड़ियों को नहीं सुरक्षा कर सके तो आज से लेकर भविष्य में तुम इस पद पर आ ही नहीं सकती हो, या उसे मजबूर कर दिया जाए कि अपने पद से हटे। बाबा के संकल्प में भी यदि ये आ गया तो ये संभव हो जाएगा। देखिए संत अन्यास ये शस्त्र इस्तेमाल नहीं करता है, ये तो आखिरी ब्रह्म शस्त्र है जो इस्तेमाल होता है। ये प्रकाष्ठा नहीं होनी चाहिए, जो देश की धरोहर है उसको बचाना चाहिए। हिंदू जागने वाला नहीं, हिंदू स्वार्थी हो गया है। उसका फल ये है कि अभी तो पहाड़ टूट रहे हैं, मंदिर टूटेंगे। हम साथ हैं, आपके साथ हैं, जो भी सब जो भी संस्कृति के एक बिंदु के लिए भी आवाज उठाए हम उसके साथ पूरा पूरा सहयोग है, सड़क पर बैठने को तैयार है। हमारे देश की यही संस्कृति है, राजा जनता पर राजा का शासन, राजा पर गुरुओं का शासन, गुरुओं पर शास्त्र का शासन, शास्त्र पर ईश्वर का शासन। अनुशासित हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति को, हमारी आस्थाओं को, हमारी मान्यताओं को विनाश किया जा रहा है, सारी संस्कृति को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को आगाह करते हैं, यदि तुम लोगों की इसी तरह की कुदृष्टि और ऐसे आघात चलते रहे, वेदना क्रांति करेगी। 84 कोस के लिए, सारे भारत की सुरक्षा के लिए मैं अखंड भारत के लिए संकल्पित हूँ, बिल्कुल बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। भगवान नाम से हम अवश्य जीतेंगे, हमको कोई संसार की शक्ति नहीं हरा सकती। संत हैं, संत तीर्थों को शोधन करेंगे, संत तीर्थों को पवित्र करते हैं, संत ही तीर्थ को तीर्थ।
बनाते हैं। वैसा ही पन उससे बढ़िया बनेगा, हमें राधा रानी में विश्वास है। काम करेंगे नहीं, काम हो गया। कठिन नहीं है, एकदम काम हो गया। कहां तक वो राजे बाजे क्या चीजें कुछ चीज नहीं है। हम लोग श्री जी के बल पर चलते हैं, हम अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।